अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं रहमान अजहर और वक्त हो गया है हेडलाइंस का। कराची में डालमिया रोड पर नामालूम अफराद की टैक्सी पर फायरिंग, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दो कारकुन जां बहक, दिन भर में 10 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार। शाह फैसल कॉलोनी कराची से ब्यूटी पार्लर जाने वाली 19 साल दुल्हन पुरसरार तौर पर लापता हो गई, ब्यूटी पार्लर की इंतजामिया ने अगवा किया, अहले खाना का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पेस्को का कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने की मंजूरी दे दी, बिजली की तरसील और वसूलियों के साथ पैदावार भी हवाले की जाए, सूबाई हुकूमत का मुतालिबा। कराची में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक दूसरे को धो डाला, वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ दीवार गिराना चाहती है ताकि तालिबान उन्हें मार सके। इमरान खान ने जवाब में कहा, जागीरदाराना जहनीयत ने आवामी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। पाक फौज की मुकम्मल हिमायत हासिल है, परवेज मुशर्रफ का दावा। साबिक फौजी हुक्मरान का कहना है कि गद्दारी केस पर फौज को परेशानी है, अदालत में पेश होने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। ताहिरुल कादरी का कहना है कि खून का एक कतरा बहाए बगैर इनकलाब लाएंगे, हुक्मरान चोरी के मैंडेट पर इक्तदार में आए। परवेज रशीद कहते हैं, ताहिरुल कादरी झूठ के सौदागर हैं। और थाईलैंड में नुमाइशी मैच के दौरान टेनिस स्टार विक्टोरिया अज़ारेंका के रक्स ने इवेंट को और रंगीन बना दिया।